हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कतर की एक मशहूर कंपनी के बारे में, जिसका नाम है साइपेन कंपनी। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, और इस कंपनी में क्या काम होता है और लेबर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस कंपनी में टाइमली सैलरी है कि नहीं है, सैलरी पेंडिंग तो नहीं रहता है, और भी बहुत सारी जानकारी, इसका फैसिलिटी मेजरमेंट कैसा है। दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। पूरा डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा कर रखें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइपन कंपनी के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो ये ऑयल एंड गैस में ज़्यादातर काम कराती है, ऑफशोर अनशोर दोनों में काम कराती है। ऑफशोर अनशोर का मतलब दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो रिटर्नर भाई होंगे, जो भी भाई मतलब कहीं भी किसी भी गल्फ में ऑफशोर अनशोर, जैसे जो समुंदर का टापू होता है उसी जगह पर काम होता है दोस्तों ऑयल एंड गैस का, तो ये भी कराती है दोस्तों। और एक बात आप लोगों को बता दें भाई कि ये जो कंपनी है इटली की कंपनी है, यह एक इंटरनेशनल कंपनी दोस्तों, सऊदी अरबिया में है, दुबई में भी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कतर की। दोस्तों, कतर में इस कंपनी में वर्कर के लिए कोई मतलब काम नहीं है, ओनली दोस्तों इस कंपनी में केवल स्टाफ रहता है। और ये कंपनी क्या करती है, बड़ा बड़ा जो कतर का गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लाइंट होते हैं वो लोग से प्रोजेक्ट ले लेती है, और लेने के बाद से और कंपनी को, सब कॉन्ट्रैक्टर को ये कंपनी काम देके काम कराती है, ये क्लाइंट का काम करती है दोस्तों। इसमें केवल स्टाफ मिलेंगे, स्टाफ मतलब हो गया सुपरवाइजर, इंजीनियर, उसके बाद से सेफ्टी ऑफिसर, उसके बाद से एडमिन, ऐसे करके बहुत सारे स्टाफ इसमें हैं, लेकिन इसमें अभी कतर में वर्कर कोई नहीं इस कंपनी में काम करता है। इस कंपनी की सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें अच्छा खासा सैलरी है, और ये कंपनी में सारा स्टाफ ही रहता है लोग, लेकिन दुबई और सऊदी में दोस्तों इसमें वहाँ पे इस कंपनी का वर्कर भी वहाँ पे हायर करती है, वहाँ पे ये खुद अपने वर्कर से भी काम कराती है। दोस्तों, इस कंपनी का फूड जो है बहुत बेहतरीन फूड है दोस्तों। और इस कंपनी का बात करें इंटरव्यू की, तो ज़्यादातर दोस्तों इसका इंटरव्यू मुंबई और दिल्ली में जाता है, एसएमएस ऑफिस हो गया, डायनामिक ऑफिस हो गया, इन्हीं सब ऑफिस पे इसका इंटरव्यू जाता है। तो कंपनी बहुत ही अच्छा है कंपनी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। पाइपलाइन का काम कराती है, ऑयल गैस का काम कराती है, मतलब ये समझ लीजिए कि बड़ी कंपनी है और अच्छी कंपनी है। जो भी भाई अगर स्टाफ में है, जैसे इंजीनियर, सुपरवाइजर, या उसके बाद से फोरमैन वगैरह या सेफ्टी ऑफिसर, तो इस कंपनी में वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो इंटरव्यू दे सकते हैं। कंपनी अच्छी है, सैलरी वगैरह टाइम से मिलता है, फैसिलिटी वगैरह इसका अच्छा है, सेफ्टी वगैरह सारा कुछ अच्छा है। तो जो भी भाई अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस कंपनी में अगर जाना चाहते हैं तो कहीं इंटरव्यू आए तो अटेंड कर सकते हैं। और रही बात जाने की, तो जाने से पहले दोस्तों आप लोग खुद पता कर लें, क्योंकि आप लोग खुद पता कर लेंगे तो सबसे बेहतरीन रहेगा दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, मेरे भी बात पे उतना भरोसा मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइन ऐसा है कि खुद पे भरोसा करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सारा कुछ दोस्तों, अगर कोई आपका दोस्त हो या मित्र हो या कोई भी फ्रेंड सर्कल में हो या रिलेशन वाले हो, अगर वहाँ का रिटर्नर हो तो वो लोग से पता करके आप लोग इंटरव्यू दें। नहीं तो बहुत सारी कंपनी है, आपको जहाँ अच्छा लगे, जिसको अच्छे से आपको पता हो, जहाँ आपके लिए अच्छा हो, वहाँ आप लोग इंटरव्यू मारें और वहाँ उस कंपनी में जाएँ। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि कोई भी भाई है जो सप्लाई कंपनी में न फंसे और अच्छा से अच्छा कंपनी में जाए, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा सैलरी उसको मिले, कोई प्रॉब्लम ना हो उसके साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कहीं भी इंटरव्यू देने से पहले किसी भी कंपनी में अच्छे से पता कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।